अस्सलाम वालेकुम, मेरी नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मिसरवी के बारे में। मिसरवी 1893 में ट्रिनिडैड में पैदा हुए थे, जो एक बैंक मैनेजर के बेटे थे। उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने इब्तदाई तौर पर ईटन कॉलेज और रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में तालीम हासिल की और 1913 में हिंदुस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया और 1914 में नौ हेडसन हॉर्स में शमूलियत इख्तियार की, जो बाद में कैम्ब्रिज के अपने हेडसन हॉर्स के चौथे डयूक का हिस्सा बन गए। वो 1914 से 1918 तक फ्रांस, फलस्तीन और शाम में पहली जंग अजीम में कार्रवाई करते नजर आएंगे। बाद में उन्होंने 1919 में कुर्दिस्तान में खिदमात अंजाम दी। 1925 से 1926 तक स्टाफ कॉलेज कैम्ब्रेले में तालीम हासिल करने के बाद मिसरवी को 1932 से 1936 तक स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इन्हें 13वें ड्यूक ऑफ कर्नाट के अपने लॉन्सर का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। फिर बरतानवी हिंदुस्तान में 1938 से 1939 के दौरान सीओ रहे। सितंबर 1939 में मिसरवी को तरक्की देकर कर्नल बना दिया गया और वो इंडियन 5वीं इन्फेंट्री डिवीजन का एक जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 बन गए। 1940 के औसत में अतालवी मशरकी अफ्रीका में मुकीम अतालवी अफवाज के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिवीजन को सोडान भेजा गया। मिसरवी को गजेल फोर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। ये 5वीं हिंदुस्तानी डिवीजन के अनासर से तैयार करदा तुसी बटालियन साइज की एक मोबाइल जासूसी और हड़ताल की तश्कील थी। आने वाली मशरकी अफ्रीकी मुहिम के दौरान मिसरवी ने काबिले जिक्र कामयाबी के साथ गजील फोर्स की कमांड की, जो बाद में हिंदुस्तानी 4थी इन्फेंट्री डिवीजन से मुंसलिक थी। 13 फरवरी 1941 तक मुहिम जामिद हो चुकी थी और मिसरवी की तश्कील ख़त्म हो गई थी। मार्च 1941 के अवाल में मिसरवी को इंडियन 5वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 9वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड करने के लिए कायम मुकाम ब्रिगेडियर के तौर पर तरक्की दी गई और मार्च 1941 के दूसरे निसफ हिस्से में कैरन की तीसरी जंग में अहम किरदार अदा किया। जब मेजर जनरल नोन ब्रिसफोर्ड इस वक्त के हिंदुस्तानी 4थी इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर को कोर की तरक्की देखकर शुमाली अफ्रीका मिसरवी में कमांड की गई, जो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए एक ब्रिगेडियर थे, उनकी जगह लेने के लिए मुकर्रर किया गया था। लीबिया की सरहद पर खोदी गई 4थी हिंदुस्तानी डिवीजन ने रोमेल के टैंकों को पीछे हटाने में कलेदी किरदार अदा किया, जब उन्होंने सैयदी रिजक में बरतानवी कोच को शिकस्त दी थी। डिवीजन के जंगी ग्रुपों ने 8वीं फौज के ताकुब में हिस्सा लिया, जब रोमेल दिसंबर में गजाला में अपनी दफाई पोजिशनों से दस्तबरदार हो गए। साल का अख्ताम बिन गाजी में हुआ। 1 जनवरी 1942 में मिसरवी को आर्मर्ड डिवीजन के जख्मी कमांडर हर्बर्ट लुमिस्टन की जगह मुकर्रर किया गया, जो हाल ही में सहरा में पहुंचे थे। जनवरी 1942 के आखिर में रोमेल के एल अगेला से हमले के दौरान इस तकसीम को माहूर के दस्ते ने शिकस्त दी और इसे बाहरी शिकस्त हुई। मार्च 1942 में लिम्बिस्टन की वापसी पर मिसरवी को 7वीं आर्म डिवीजन की कमांड पर मुंतकिल कर दिया गया, जिन्होंने अपने कमांडर जॉक कैम्बल को एक मोटर हादसे में हिलाक कर दिया था। मिसरवी दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी डिवीजन की कमांड करने वाले वाहिद बरतानवी हिंदुस्तानी फौजी अफसर थे। मिसरवी को दाढ़ी वाले आदमी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो जंग में शेव नहीं करते थे। जब गजाला की लड़ाई के आगाज में डिवीजन हेडक्वार्टर जर्मनों के
हाथ में आ गया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तमाम नशनात को हटाते हुए जर्मनों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो एक बैटमैन है, और अगले दिन डिवीजन हेडक्वार्टर में दोबारा शामिल होने के लिए अपने अमले के दीगर अरकान के साथ फरार हो गए। इन्हें जून 1942 के आखिर में 8वीं आर्मी कमांडर नील रिची ने 7वीं आर्म डिवीजन की कमान से बर्तरफ कर दिया था, क्योंकि इस डिवीजन को गजाला की GHQ लड़ाई में शदीद शिकस्त हुई थी। वो मिडल ईस्ट कमांड 1942 में डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर काहिरा मुंतकिल हो गए, और चंद माह बाद 43वीं इंडियन आर्म डिवीजन को इसका कमांडर बनाने के लिए भारत भेज दिया गया। असल में फारस में खिदमत का इरादा किया गया था। ये तकसीम अप्रैल 1943 में उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब स्टालिन ग्रेड में सोवियत यूनियन की फतह से फारस को लाहक खतरा दूर हो गया था। मिसरवी को 1943 में आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल जनरल हेडक्वार्टर इंडिया कमांड का डायरेक्टर बनाया गया, जहां उन्होंने इस वक्त के इस नज़रिए के खिलाफ कामयाबी से बहस की के बर्मा में हल्के टैंकों के अलावा कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। 1944 और 1945 में इसका नुमाया असर पड़ा जब दरमियाने दर्जे के टैंक जापानियों के खिलाफ असर दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए। जुलाई 1943 में मिसरवी को मेजर जनरल थॉमस कॉर्बेट के बाद 7वीं इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन का GOC मुकर्रर किया गया, जिन्हें सितंबर में कोर अरकान में शामिल होने के लिए बर्मा भेजा गया। फरवरी 1944 में जापानी हमले में इनके हेडक्वार्टर को जेर करने और बिखेरने के बावजूद और इनकी सप्लाई लाइनों में समझौता करने के बावजूद मिसरवी के ब्रिगेडर्स ने एक कामयाब दिफा किया, जबकि फिजाई सप्लाई दी जा रही थी। मार्च 1944 में मिसरवी ने हिंदुस्तान में एम्फाल और कोहिमा में सख्त दबाव वाले दिफा को तकवीत देने के लिए भेजी गई दो ब्रिगेडों को खो दिया। मई तक पूरी डिवीजन कोहिमा सेक्टर में पहली सफ में वापस आ गई थी। दिसंबर 1944 में मिसरवी को कोर की कमांड करने के लिए मुकर्र किया गया, जिसकी क्यादत उन्होंने 1945 के हमले में की, जिसके दौरान उन्होंने बर्मा में मैकटेला के अहम मौसलाती मरकज़ पर कब्जा कर लिया और फरवरी और अप्रैल के दरमियान रंगून की तरफ पेशकदमी की। जब मिसरवी घर से वापस आए तो दुश्मनी ख़त्म हो चुकी थी। जापानी हथियार डालने के बाद इन्हें 1945 में कमांडर इन चीफ मिला या कमांड बनाया गया। तकसीम हिंद के करीब मिसरवी को 1946 से 1947 तक जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ नॉर्थर्न कमांड इंडिया बनाया गया। आखिरकार जब पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को मर्ज़े वजूद में आया तो इन्हें पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। 20 अगस्त को मिसरवी की तरफ से दस्तखत शुदा एक ख़त शुमाल मगरबी पाकिस्तान के तमाम ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भेजा गया, जिसमें एक मखसूस ऑपरेशन गुलमर्ग के मंसूबे शामिल थे। मंसूबे के मुताबिक पश्तून कबाइलों के 20 लश्करों को कश्मीर पर हमले के लिए शुमाल मगरबी पाकिस्तान में ब्रिगेड के मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्ला और तरबियत दी जानी थी। मालूमात अफशा हुई। इन खतूत में से एक भारतीय ऑफिसर मेजर ओंकार सिंह कलकत्त के हाथ में आया। कलकत्त को घर में नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन वो फरार हो गए और हिंदुस्तान चले गए। 22 अक्टूबर के डी डे तक जब हमला किया गया, मिसरवी लंदन में थे। जनरल डगलस ग्रीसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कायम मुकाम कमांडर इन चीफ के तौर पर छोड़ दिया। वापसी पर वो दिल्ली रुके, जहां लॉर्ड माउंटबेटन ने इनसे कसम खाई कि इनसे कबालियों की कोई मदद नहीं मांगी गई थी और ना ही उन्होंने फ्राहम की थी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो पाकिस्तानी हमला आवर अफवाज को असला और गोला बारूद फ्राहम करते पाए गए।
उन्होंने सुबह सरहद के गवर्नर जॉर्ज कुनिनघम से शिकायत की कि माउंटबेटन हिंदुओं की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तानी अफसरान बयान करते हैं कि मिसरवी और ग्रीसी दोनों पाकिस्तान की कश्मीर जंग के रोज़मर्रा की कार्रवाइयों को चलाने में शामिल थे। मिसरवी को 15 फरवरी 1948 को इसके अहदे से फारिग कर दिया गया, जिसके नतीजे में 1948 में इनकी रिटायरमेंट हो गई। इन्हें जनरल का एजाजी अहदा दिया गया था। बाद में उन्होंने एशियाटिक रिव्यू में कश्मीर पर एक बाअसर मज़मून लिखा, जहां उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने इस तकरीब से कई हफ्ते कबल कश्मीर में फौजी मुदाखलत का मंसूबा बनाया था। इनका कहना था कि अगर भारत नवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को कश्मीर में इकतदार पर काबिज रहने दिया गया तो भारत मुमकिन तौर पर रायशुमारी जीत लेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को इन इलाकों पर कब्जा करने की इजाज़त दे दी जाए जो इसने अपने कब्जे में लिए हैं तो पाकिस्तान की जीत और भी यकीनी थी। मौरख गौहर रिजवी का कहना है कि इस किस्म के असरात ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्राय दौलत मुश्तरका अनवार फिलिप नॉल बेकर को इस बात पर आमादा किया कि अक्वामे मुत्तहदे की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को नज़रअंदाज ना किया जाए। 2 फरवरी 1974 को मिसरवी इंग्लैंड के जनूब के एक छोटे से गांव में इंतकाल कर गए, जिसका नाम हेशॉर्क था। और ये थे जनरल मिसरवी की ज़िंदगी के बारे में कुछ हकायक। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।